मैं आज की ये महफिल उसके नाम करता हूँ। वो अचानक फौत हुआ क्योंकि वो ये देखकर इतनी बड़ी तादाद में लोग वो उसका दिल खुश होता, आज मैं समझता हूँ उसकी रूह खुश हो रही होगी कि आप लोगों ने मुझे इज्जत दी। और मैं बताता हूँ क्यों, इसलिए नहीं कि मैंने इनकी खिदमत की, इसलिए नहीं कि कोई माई कलाल एक टके का फायदा पीयूएफ के मेहनत कशों को नहीं पहुंचा सका। अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक और ताकत दी, अल्लाह ताला देने वाला है, वसीला मैं बना कि मैं एक दफा नहीं दो दफा वसीला बना, इस वजह से नहीं कर रहा हूं। अगले दिन एक सर्वे हुआ, जैसे छुट्टी हो रही थी, और कैमरा और कागज के साथ एक शख्स खड़ा था, जो भी मेहनत कश निकलता था शॉप के अंदर से वो कहता किसको वोट देंगे, चौधरी निसार को वोट देंगे। तो मैं आज ये महफिल पाकिस्तान ऑर्डनेंस फैक्ट्री के मेहनत कशों के नाम करना चाहता हूं। मैं सिर्फ यादानी कराना चाहता हूं, जब तमाम रुकावटों को अबूर करके मैं पहली मई को यहां आया अंदर स्टेट एरिया में, और मुबारकबाद दी कि आपका नया जो खाका है तनख्वाहों का वो मंजूर हो चुका है, बोनस वगैरह, और मैंने एक तकरीर की। मैं चाहता हूं कि आपकी याद ताजा हो उस तकरीर। मेरी आपसे गुजारिश है, मैंने जो मुखातिब तो मेहनत कश थे पीयूएफ के, मगर मैं नौजवानों को कहता हूं कि अगर आपका दिल मानता है कि इस शख्स ने खिदमत की है तो फिर मेरे लिए वोट मांगो। कौन एमएनए है जिसने आपके पीछे इस्तीफा दिया है? कौन एमएनए है जिसने आपकी धरनों में और जो आपने एहतजाज किया उसमें शामिल, मैं तो जा साथ शामिल होता था। तो मेरे भाइयों,